आज हम लोग गूगल एक्सेल शीट में किस तरीके से चेकबॉक्स को यूज कर सकते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है सुविधा चौहान और मेरे चैनल का नाम है साई सिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गूगल शीट ऑन करके रखा है और इसके अंदर मैंने टेबल भी बना के रखा है, तो जिसके अंदर यहाँ पर एम्प्लॉई नेम है और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, यानी जितने दिन भी वो लोग आते हैं उनका यहाँ पर अटेंडेंस हमको कॉपी करना है। अब इसके पहले के फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट लिखते हैं, एब्सेंट लिखते हैं, यानी पी लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ए लिख रहे हैं, एब्सेंट लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला हो गया है। अब थोड़ा सा नया ट्रिक के साथ में हम लोग काम करते हैं कि इसमें हम लोग चेकबॉक्स यूज़ करेंगे, तो वो कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी टेबल बना हुआ है, अब जहाँ पर चेकबॉक्स ये वो पूरे सेल को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखो, ये रहा, तो यहाँ पर पहले तो आपका चेकबॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अटेंडेंस टोटल, यानी टोटल अटेंडेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपको ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो फॉर्मूले के लिए क्या करना है, इक्वल टू लिखना है, यहाँ पर काउंट इफ़ ये फॉर्मूला लिखना है आपको, ब्रैकेट ऑन करना है। कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो पूरा रेंज आपको लेना है। तो मैंने क्या किया, ये पूरा मैं यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरे टेबल को आप ऐसे सिलेक्ट कर लो कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, उसको ले लो, यहाँ पर आप कॉमा करो और इसके अंदर आपको ट्रू लिखना है कि क्या करो, आप इसको ट्रू ले लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। अब ये वाले सेल को आपको क्या करना है, ये आप इसको नीचे ड्रैग कर दो, ठीक है। अब आप इस पर टिक करोगे, जैसे आप यहाँ पर टिक करोगे, ये देखो ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट होता जा रहा है ना। तो ये आप इजीली कर सकते हो और दिखने में मेन अच्छा दिख रहा है, आपको ट्रू वो एब्सेंट प्रेजेंट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो तो कितना अच्छा दिख रहा है ये देखो, है ना। लेकिन ये पूरा टोटल कर रहा है, देखो अभी मेरे सेल में क्या हो रहा है कि मेरा, मैं जैसे ऐड कर रहा हूँ मेरा सारा टोटल हो रहा है। तो एक यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है कि इसके अंदर मैंने क्या किया, पूरे सेल को ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इसके अंदर है ना, आप, मैं इसको फिर से एक दिखा रही हूँ आपको कि आप इस चीज़ को और एक अलग तरीके से F2 करके, मैं यहाँ पर सेल नंबर थोड़ा कम कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर G2 से पूरा G9 तक ले लिया, लेकिन आप इसको ऐसे मत लो, नहीं तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, G2 लिखती हूँ मैं, ठीक है, कि C2 से लेके G2 तक का ही लिया मैंने, ताकि बस वो एक ही सेल को सेलेक्ट करे, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ सारे शीट के इसके ऊपर, ठीक है। तो अब मेरा ये बराबर आएगा, देखो अब जितना लूँगी उतना आएगा और जिसको माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, ये देखो कितना ईजी है ना। तो इस तरीके से काम करने में बहुत ईजी होता है, प्रेजेंट एब्सेंट लिखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और ऐसे ही मैंने बहुत सारे एक्सेल के और भी शीट्स बनाए, आप उसको भी आप देख सकते हो। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।